नमस्कार, स्वागत है आपका CTD न्यूज़ में। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल राजस्थान में 11 पाकिस्तानी हिंदुओं के मौत के मामले को गुरुवार को निस्तारित कर दिया। संघीय सरकार द्वारा इस मामले को भारत सरकार के समक्ष उठाए जाने के आश्वासन के बाद अदालत ने मामले को ख़त्म कर दिया। पाकिस्तानी हिंदू प्रवासी परिवार के 11 सदस्य पिछले साल 9 अगस्त को राजस्थान के जोधपुर जिले के एक खेत में मृत पाए गए थे। पाकिस्तान में पीड़ितों के रिश्तेदारों ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर अदालत से संघीय सरकार को आदेश देने का अनुरोध किया था कि वो मौत की असली वजह का पता लगाने के लिए भारत के समक्ष पुरजोर तरीके से मामला उठाए। पाकिस्तानी सरकार ने जब आश्वासन दिया कि वो भारत के साथ इस मामले की जाँच की जिम्मेदारी विदेश विभाग को सौंपेगी, तब अदालत ने मामले को निस्तारित मान लिया। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि वो दो मुल्कों के विदेश मामलों में दखल या निर्देश देना पसंद नहीं करेगी। इससे पहले याचिकाकर्ताओं के वकील सैयद कलब ए हसन ने कहा था कि मामला बेहद गंभीर है और शीर्ष अदालत को औपचारिक रूप से संघीय सरकार को नोटिस जारी करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि विदेश मंत्रालय इस मामले में सिर्फ खानापूर्ति के लिए कार्रवाई कर रहा है। ये परिवार पाकिस्तान के सिंध प्रांत से 2015 में दीर्घकालिक वीज़ा पर भारत आया था। परिवार के लोग एक खेत में रह रहे थे जिसे उन्होंने खेती के लिए पट्टे पर लिया था। पुलिस ने पिछले साल 10 अगस्त को कहा था कि पोस्टमार्टम में जहरीला पदार्थ खाने से मौत की बात सामने आई थी और ये संभावित सामूहिक खुदकुशी का मामला था। पाकिस्तान में एक व्यक्ति ने कथित तौर पर शादी का प्रस्ताव ठुकराने पर 20 वर्षीय युवती पर तेजाब फेंक दिया जिससे वो बुरी तरह झुलस गई। पुलिस ने बुधवार को बताया कि लाहौर के जौहर टाउन की निवासी मरियम बीबी मंगलवार को बाजार जा रही थी, तभी आरोपी ने उस पर तेजाब से हमला कर दिया। पीड़िता को जिन्ना अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चिकित्सकों ने बताया कि युवती का चेहरा, गला और हाथ बुरी तरह से झुलस गया है। मरियम बीबी के पिता ने पुलिस को बताया कि उस पर उन्हीं के इलाके के मोहम्मद अहमद नामक शख्स ने हमला किया। वो उनकी बेटी से शादी करना चाहता था। उन्होंने कहा कि शादी से मना करने पर अहमद ने उनकी बेटी को जान से मारने की धमकी दी थी। देश दुनिया से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें CTD न्यूज़। साथ ही लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।